करके क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो आप मीडिया के सभी बंधुओं का हृदय से आभार। आप लोग इतने दूर से चल करके और साक्षात्कार लेने के लिए हमारे यहाँ आए। आपके चैनल के जितने भी सब्सक्राइबर हैं, हमारे उस ओर से उनके प्रति भी बहुत हृदय से आभार। नगर पंचायत का बिगुल बज गया है, सभी लोग अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। एक चीज़ हम सुधार कर दें, हमारी पत्नी यहाँ मुखिया थी। हम यहाँ 1988 से पैक्स के अध्यक्ष हैं। बीच में एक बार हमारे ही मित्र रहे हैं, उसके बाद जनता का आशीर्वाद स्नेह हमेशा मिलते रहा है। अभी भी चुनाव घोषित होने के बाद काफ़ी ऊहापोह की स्थिति बनी हुई थी कि चुनाव में रिजर्वेशन क्या होगा, अति पिछड़ा होगा, सामान्य होगा, महिला होगा, पुरुष होगा, शेड्यूल कास्ट होगा। तो ये अटकलें काफ़ी लोग भी प्रयासरत थे, सभी लोग लगे हुए थे, सभी वर्ग के लोग लगे हुए थे। लेकिन जब कोटी निर्धारित हुई तो अति पिछड़ा हो गया गुठी नगर पंचायत। अब ये घोषणा होने के बाद से हमारे नगर पंचायत क्षेत्र के अंदर जो भी हमारे सम्मानित मतदातागण हैं, उन सभी लोगों का काफ़ी दबाव हमारे ऊपर पड़ रहा है कि चुनाव आपको लड़ना चाहिए। अभी तक चुनाव लड़ने की हमारी कोई तैयारी नहीं है, चुनाव लड़ने की हमारी कोई बहुत मनसा भी पहले से नहीं रही। ऊहापोह की स्थिति थी चुनाव होगा। मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे नगर पंचायत क्षेत्र की जनता हमको इतना प्यार दे रही है, इसके लिए हम अपने नगर पंचायत के सभी सम्मानित मतदाताओं का आभार व्यक्त करते हैं और इसके लिए हम उनका सदैव ऋणी रहेंगे। चुनाव आया है, सभी लोगों को साफ सुथरे उम्मीदवार की तलाश है। बहुत सारे लोग यहाँ से भी प्रत्याशी होंगे, होने वाले हैं। सभी प्रत्याशियों के लिए हमारे ओर से शुभकामना है, चुनाव को अच्छे तरीके से सभी लोग लड़ें, जनता का जो निर्णय हो उसका सम्मान हो, निर्णय का सम्मान होना चाहिए। और लोगों ने परखा है, कहीं ना कहीं जो भी नाम जनता के बीच में चर्चा में आ रही है तो छोटा चुनाव है। छोटे चुनाव में सभी लोग एक दूसरे के बारे में बढ़िया से जानते हैं। और एक वोट का अपना सबसे बड़ा आधार जो है इसी को मानते हैं। तो हमारी पत्नी मुखिया रही, उस कार्यकाल को लोगों ने देखा है और उससे प्रभावित होकर के अब तो क्षेत्र चूंकि बड़ा हो गया है, दोनों पंचायत मिला करके नगर पंचायत बन गया है। लेकिन हमारे पत्नी द्वारा कराए हुए कार्यों से लोग प्रभावित हैं और सरल सुलभ उपलब्धता जो है, हम लोग कभी भी जनता के सेवक के रूप में रहे हैं, जनता की सेवा करने की भावना है और जनता के बीच में ही रहे हैं। तो इसका कहीं ना कहीं लोगों के बीच में इसकी चर्चा है कि नहीं, वैसे लोगों को आना चाहिए। हम अभी कुछ लोगों से हम अपने बारे में राय ले रहे हैं, दबाव भरपूर है,
कि चुनाव लड़ना है। एक सवाल आपसे बहुत अहम है कि जिस तरह से नगर पंचायत गुठनी का हम लोगों ने कल धरातल पर सर्वेक्षण किया और आम जनमानस से मुलाकात करने के बाद जिस तरह से आपकी जो लोकप्रियता है और आपके चेहरे पर जनता को जिस तरह से विश्वास है, भरोसा है, क्योंकि पिछले जो कार्यकाल में आपने जो काम किया है अपने धर्मपत्नी के कार्यकाल में, उस चीज़ को भी जनता देख रही है, समझ रही है, और पहली बार नगर पंचायत बना है गुठनी, ऐसे में यहाँ की जनता जो है शुरुआत जो है एक अच्छे व्यक्ति से करना चाहती है जो इस क्षेत्र की गरिमा को समझ सके और व्यवस्था को सही ढंग से संचालित कर सके। तो पब्लिक का तो रुझान है कि आप चुनाव लड़ें, लेकिन आप असमंजस में क्यों हैं? नहीं, असमंजस का कोई बहुत बड़ा वजह नहीं है, चूँकि चुनाव थोड़ा अभी तक हम व्यक्तिगत जो चुनाव लड़ते आए हैं उसका दायरा सीमित था, ये थोड़ा क्षेत्र बड़ा हो गया है। तो ऐसा नहीं है कि जो नया क्षेत्र जुड़ा है उस क्षेत्र से हम जुड़े नहीं रहे हैं, वहाँ भी हम लोगों के बहुत सारे अपने मददगार, हमारे शुभचिंतक, हमारे समर्थक हैं, सबका समर्थन है, सभी लोगों की इच्छा भी है, और ये ऊहापोह का कोई बहुत बड़ा वजह नहीं है। थोड़ा हम अपने हिसाब से सर्वे कर रहे हैं और हम निश्चित रूप से यहाँ के जनता के अनुरूप ही कार्य करेंगे। हमेशा से हम अपने जनता के बीच रहे हैं, जनता के लिए रहे हैं, जनता के लिए समर्पित रहे हैं, इसमें कहीं से भी जनता के विश्वास पर हम आँच नहीं आने देंगे। ये यहाँ के जनता को भी भरोसा है और हम अपने तरफ से भी वचन देते हैं कि अगर हम चुनाव में आए और यहाँ की जनता के द्वारा हमको विजयी बनाया गया तो निश्चित रूप से गुठनी नगर पंचायत को एक आदर्श नगर पंचायत बनाने के लिए, एक साफ सुथरा सुंदर शहर बनाने के लिए हम प्रयास करेंगे। व्यक्तिगत रूप से हमारा जो संपर्क है आगे भी, उसका भी हम इस्तेमाल हम अपने पत्नी के मुखिया के कार्यकाल में भी हम लिए। बाहर के बहुत सारे विधान पार्षद रहे, सांसद रहे, उनके भी मद से बहुत सारा हम काम अपने क्षेत्र में कराए हैं। आगे भी अगर मौका मिला तो निश्चित रूप से हम गुठनी को सजाने संवारने का काम करेंगे। यहाँ के जनता के विश्वास पर 100% खरा उतरने का हम प्रयास करेंगे। कभी भी हम अपने यहाँ के लोगों को निराश नहीं होने देंगे। तो देखिए, नगर पंचायत गुठनी का सर्वेक्षण करने के पश्चात जिस प्रकार से यहाँ पर चुनाव को लेकर के आम जनमानस में काफ़ी दिलचस्पी देखी जा रही है और इस बार के नगर पंचायत चुनाव को लेकर के गुठनी के सम्मानित यहाँ की जनता कहीं ना कहीं यह देख रही है कि व्यवस्था को बदलने के लिए और यहाँ पर एक ऐसे जनप्रतिनिधि को सुशोभित किया जाए जो इस क्षेत्र में अनुभव रखता हो और साथ ही साथ लोगों के साथ उसका व्यवहार और उसका संपर्क भी अच्छा ढंग का हो। और इन्होंने साफ तौर पर कहा, दिलीप कुमार गुप्ता ने, कि हमारा जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है और हम जिस प्रकार से जनप्रतिनिधित्व किए हैं और हमारा जो अनुभव रहा है उसका लाभ मुझे मिल रहा है। और रही बात असमंजस की, तो शुरुआती दौर में इस तरह के असमंजस थी क्योंकि उस समय आरक्षण का जो रोस्टर था वो घोषित नहीं हुआ था, डेट अनाउंसमेंट भी नहीं हुआ था, बजाबता अब तो तमाम चीज़ें जो हैं साफ सुथरी क्लियर हो चुकी हैं और जनता का जिस तरह से दुलार, प्यार, समर्थन, सहयोग, प्रोत्साहन मिल रहा है, निश्चित रूप से अगर सेवा का सौभाग्य मिला तो मैं कोशिश करूंगा कि नगर पंचायत गुठनी हर क्षेत्र में समग्र संतुलित सर्वांगीण विकास करे और विकास के क्षेत्र में एक नया इतिहास और कीर्तिमान भी बनाए। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और सर्वे रिपोर्ट में एक विशेष इंटरव्यू देने के लिए दिलीप कुमार गुप्ता जी, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आप सभी का, बहुत बहुत आभार। अगर आप भी बढ़ते हुए पेट्रोल डीजलों के दाम से हैं परेशान तो आज ही आए आंदर असाव मुख्य रोड बरवा, क्योंकि बरवा में खुल चुका है बालाजी साक्षी बायोफ्यूल पेट्रोल पंप, जहां आपको उत्तम क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ आपकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए और जगहों से 2 रुपये के सस्ते दाम पर पेट्रोल और डीजल मिलता है। इसके प्रोप्राइटर है राजेश कुमार पाठक। एक बार सेवा करने का मौका अवश्य प्रदान करें बालाजी साक्षी बायोफ्यूल पेट्रोल पंप।